इवन दीपा बुलवालो जो बुलवाना है सब के मनु कति फराटे तो जागा प्रिया की अंग्रेजी में समझ ना अंत जा उड़ जा रे पंछी पहुंच जा गोवा। चल इस पेंटिंग को बोला जाता है कि ये मंत्र मुग्ध कर लेती है। आज की ईडीएम है जी हैड ए ब्लास्ट। तो इन सवालों का उत्तर दोगे तो सीधा सीधा कंटेंट बना बैठा है। टेंसेस मतलब काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश में यही होती है कि इनको हाईलाइट करूंगा मैं सारी चीजों को, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये जी स्ट्रक्चर जो है ये आपका राइटिंग के लिए भी है, केवल स्पीकिंग के लिए ही नहीं है। टू समराइज या इन कॉन्क्लूजन से क्या सॉलिड रिस्पॉन्स है। बैंड 9 वाव। ऑलराइट मिस्टर देवेंद्र, सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्यू कार्ड एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर अप टू 2 मिनट्स। सो योर क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ प्लेस दैट यू हैव विजिटेड एंड वुड लाइक टू विजिट अगेन। ए प्लेस दैट आई हैव विजिटेड एंड वांट टू गो अगेन इज गोवा। आई वेंट देयर विद माय फ्रेंड्स एंड lot of good time and I enjoyed a lot and after that we go to the beach and there was a lot of water. We do beach sport, water sport, and after that lot of good food and कौन है अंता जी क्या करूँ, कति शब्द ना मिल रहे। और जब वो क्या वोकैबुलरी वोकैबुलरी कहते रहते हो, वो वोकैबुलरी ये ना पाओगी बोलूंगे। इवन हिंदी में बुलवा लो जो बुलवाना है सब के मनु कति फर्राटे तो जागा प्रिया की अंग्रेजी में समझ ना अंत के बोलूँ। दिमाग में तो इतनी चीज है पर बोलिया ना जानता। बताओ तो जी राम राम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। आज हम अपनी एक और आइल्स की नई वीडियो के साथ आए हैं और इन सारी प्रॉब्लम जो अभी अभी आपने देखी इन सब को डील करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके क्या हो सकते हैं, हम उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। किसी टाइप से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईएलटीएस और इंग्लिश कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। 5 के पॉइंट बैठ के वो 6 साढ़े 6 लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, डेफिनेटली आपका स्कोर आ जाएगा। तो लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरा टाइम हमारे साथ बने रहना है और सीरियस कैंडिडेट बन के इन वीडियोस को देखना है। हम थोड़ा बहुत वही फन एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो इंटरेस्टिंग बने, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिंसियर रहना है, आपको ध्यानपूर्वक इन सारी चीजों को नोट करना है जो जो चीजें बताई जा रही है और अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। जब ये चीजें धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी 10 से 15 दिन में एक बार आप रिजल्ट देख लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो चलो जी बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी से, आज का वोकैब है, आज की वोकैबुलरी है कैप्टिवेट। अब इस कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है ये क्या, टू गेट समवनस अटेंशन इन ए वेरी स्पेशल एंड इंटरेस्टिंग वे, या फिर हिंदी में बोले तो मंत्रमुग्ध होना या मंत्रमुग्ध कर लेना, मोहित कर लेना है। जैसे ये देखो जी, ये पेंटिंग है मोनालिसा की, बहुत फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बोला जाता है कि ये मंत्रमुग्ध कर लेती है, ये मोहित कर लेती है। आप इसको देखना शुरू करते हो, कभी ये हंसती नजर आती है, कभी ये दुखी नजर आती है, मतलब कि पूरी तरीके से आपको कैप्टिवेट कर लेती है। चलो अब कैप्टिवेट का एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट इट कैप्टिवेटेड माई अटेंशन एंड आई कुडंट स्टॉप रीडिंग अंटिल आई फिनिश्ड इट। कि भाई जो स्टोरी में पढ़ रहा था इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि उसने बिल्कुल मुझे मंत्रमुग्ध कर लिया और आखिरी तक मैं पढ़ता ही चला गया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये लो, द मैजिशियंस ट्रिक्स कैप्टिवेटेड द किड्स मेकिंग देम वंडर हाउ ही मेड थिंग्स डिसअपीयर एंड रीअपीयर। कि भाई जो जादूगर था उसकी ट्रिक्स ने बच्चों को मोहित कर लिया। हाँ, कैसे वो चीजों को कभी गायब कर देता, कभी वापस से अपीयर कर देता। तो समझ आया कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब है मोहित कर लेना या मंत्र मुग्ध कर लेना, और ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको कोशिश करना अपनी लैंग्वेज में यूज करने की। तो चल वे डाउट जो अपन ने, आ ये उड़ गया पन्ना। तो ईडीएम होता है हिंदी में जैसे हम मुहावरे वगैरह बोल देते हैं, बस वही चीज है जी। अंग्रेजी में भी बोलोगे तो आपकी लैंग्वेज और ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाती है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। ज्यादातर ये इनफॉर्मल होता है, स्पीकिंग पार्ट में होता है, राइटिंग में हम ईडीएम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते या ना के बराबर करते हैं। और लेकिन स्पीकिंग में अगर आप अपनी पूरी की पूरी टेस्ट में 2-3 ईडीएम यूज कर ले तो बहुत अच्छी बात है,
चलिए देखते हैं आज की ईडियम क्या है। आज की ईडियम है जी हैड ए ब्लास्ट। तो हैड ए ब्लास्ट का मतलब होता है मौज करना, मजे करना, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, वो ही वाली मौज। आगे बढ़ के देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। हाँ जी, मीनिंग है हैविंग ए लॉट ऑफ फन और ए ग्रेट टाइम डूइंग समथिंग। तो चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है जी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है वी हैड ए ब्लास्ट एट द बीच पार्टी लास्ट नाइट। तो हैड ए ब्लास्ट को हमने कैसे यूज किया है? वी हैड ए ब्लास्ट, हमने बहुत एंजॉय किया। वी हैड ए लॉट ऑफ फन एट द बीच पार्टी लास्ट नाइट। तो हैविंग ए लॉट ऑफ फन बोलने की जगह आप बोल सकते हैं हैड ए ब्लास्ट। और समझ आ गई बात? अगर आ गई तो जी आगे बढ़ते हैं। एलो जी एक और एग्जाम्पल क्या है। विजिटिंग द एम्यूजमेंट पार्क वॉज अमेजिंग, वी वेंट ऑन ऑल द राइड्स एंड हैड ए ब्लास्ट विद आवर फ्रेंड्स। हैड ए ब्लास्ट मतलब वी हैड ए लॉट ऑफ फन, वी एंजॉयड ए लॉट। तो उसी बात को हमने ऐसे बोल दिया। हाँ जी चलो आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कर्टेन उठाते हैं और देखते हैं आज का क्यू कार्ड क्या है। खुल जा सिम सिम। ओ लो जी क्यू कार्ड आ रहा है। ओ आ गया जी, ये रहा आपका क्यू कार्ड। क्या है क्यू कार्ड? क्यू कार्ड है डिस्क्राइब ए प्लेस यू हैव विजिटेड एंड वुड लाइक टू विजिट अगेन। कोई एक ऐसा ही जगह बताइए, ऐसा प्लेस जो आपने विजिट किया है और आपने बहुत इंजॉय किया, आपको बहुत अच्छा लगा और आप वापस से विजिट करना चाहते हैं, तो ये क्यू कार्ड है। अब आपको नहीं पता है क्यू कार्ड क्या होता है तो जाके हमारी पुरानी वीडियो देखिए जिसमें हमने आयल स्पीकिंग पार्ट टू में क्यू कार्ड वगैरह को सारी चीज़ों को डिटेल किया हुआ है। अगर वो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे क्यू कार्ड क्या है, तो इन क्यू कार्ड का आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो जी बात कर लेते हैं कि अब आपको अपने क्यू कार्ड का रिस्पॉन्स कैसे डेवलप करना है। तो डब्ल्यू एच फैमिली को पहले समझे। सो ये देखो, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई Which, whose, whom, how? ये सवाल अपने दिमाग में ये कुछ शब्द डाल लो कि भाई हमें इन सवालों के उत्तर देना है। इन सवालों का उत्तर दोगे तो सीधा सीधा कंटेंट बना बैठा है। बस यही तो है कि राइट तरीका नहीं पता है। तो चलो भाई देखते हैं सॉलिड कंटेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये रहे जी, अब देखो सबसे पहले ग्रामर ठीक होनी चाहिए। अब ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में बहुत सारी चीजें आती हैं वैसे तो, लेकिन मोटा मोटी अब ये मान के चलो कि टेंसेस ठीक हो और सही वर्ब्स यूज की हुई हो। तो ग्रामर एक आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो अगेन चैनल पे जाके ग्रामर रिलेटेड वीडियोस देखो, बहुत डिटेल में चीजें आपको समझाई हुई है। सेकंड थिंग इज स्ट्रक्चर। जो भी बात आप बोल रहे हैं, आप जिस भी क्यू कार्ड पे बोल रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? वैसे तो आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि जो आपका कंटेंट है उसका फ्लो कैसा है। तो चलो जी स्ट्रक्चर के बाद देख लेते हैं कनेक्टर। कनेक्टर में जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, बोलते बोलते हमने एक पॉइंट से आगे दो तीन पॉइंट बोल दिए, फिर हमने बोला एडिशनली, या कुछ आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो बोला हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, या फिर लास्ट में जब आप कई बार कंक्लूड करते हैं जो भी आपका रिस्पॉन्स है, तो हम उसमें बोलते हैं टू समराइज या इन कॉन्क्लूजन। ये सारे कनेक्टर्स हैं, ये आपके रिस्पॉन्स को बहुत अच्छा बना देते हैं, याद रखना इस चीज़ को। तो अगली चीज़ है जी वोकैबुलरी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश में यही होती है कि आपको प्रॉपर शब्द या प्रॉपर वर्ड्स ही नहीं मिल पाते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इससे डील करने का तरीका क्या है? भाई डेली एक दो नए बढ़िया वाले शब्द आपको याद करने हैं और अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करने हैं। यही आसान तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है वोकैबुलरी का। तो आपको क्या करना है, एक अच्छे रिस्पॉन्स के अंदर वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी डालनी है, और खास तौर से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। जैसे कोई जर्नी है तो जर्नी रिलेटेड वर्ड, फैमिली फ्रेंड्स की बात हुई तो रिलेशनशिप वगैरह रिलेटेड वर्ड्स। तो कॉन्टेक्स्ट के स्पेसिफिक वर्ड्स आपको यूज करने चाहिए। नेक्स्ट इज idiomatic expressions, मुहावरे के तरीके से कहावतों का यूज करना अपनी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं idiomatic expression, कि कुछ दो तीन चार शब्द मिलके कुछ और ही मीनिंग देते हैं। ऐसी चीजें जब आप यूज करते हैं तो लैंग्वेज बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफाई, डेकोरेटेड फील होती है। आज हम इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सारी चीजें जो मैं आपको ये इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ, ये सारे यूज करेंगे और उससे आपको समझ आएगा कि आपको कैसे करना है। और फिर तो जी आपको प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 क्यू कार्ड कर लोगे, खुद से देख लेना कितनी इंप्रूवमेंट आ जाती है।
सो नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल्स. कोशिश करो जो भी आपका रिस्पॉन्स है अगर उसमें कोई पर्सनल या एक कॉमन जनरल एग्जाम्पल डल सकता है तो उसे डालो. उससे क्या होता है कि आपको एक पर्सनल टच मिलता है आपके रिस्पॉन्स को. चलो आगे बढ़ते हैं टेंसेस पे. ग्रामर में इंपॉर्टेंट होते हैं टेंसेस. टेंसेस मतलब काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, मतलब कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस. तो जो आपका रिस्पॉन्स है, जो आपको क्यू कार्ड मिला है, आपको उसमें देखना है कि हमें किस टाइप के टेंसेस यूज करने हैं. तो चलो जी एक बार देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस. तो प्रेजेंट टेंस की कुछ वर्ब्स होती है. वर्ब हमारी दो चीजों से नॉर्मली मिलकर बनती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनको देख के अंदाजा लग जाता है कि ये कौन सा टेंस है. या अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो इन वर्ब्स का, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है. ऐसे ही होता है जी पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की वर्ब्स क्या हो सकती हैं? डिड, वाज, वर, हैड. जब हम पास्ट की बात बता रहे होंगे तो ये एग्जाम्पल में भी देखेंगे. आज है ना, इनको हाईलाइट करूंगा मैं सारी चीजों को, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें. और फिर फ्यूचर टेंस की, अगर भविष्य के बारे में अगर आपको कुछ बात करनी है तो उसकी क्या वर्ब होगी? नॉर्मली विल या शैल हम यूज करते हैं. फ्यूचर टेंस का काफी कम यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे फिर भी कंडीशनल्स वगैरह में यूज हो जाता है. चलो जी आज का क्यू कार्ड है, इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं कौन सा टेंस यूज करना है. तो क्यू कार्ड है जी, डिस्क्राइब ए प्लेस यू हैव विजिटेड एंड वुड लाइक टू विजिट अगेन. तो अब इसमें क्या हम बात करने वाले हैं? इसमें हम कोई एक प्लेस के बारे में बात करेंगे जो हमने पास में विजिट किया और उसको अगेन विजिट करना है. तो इसके रिस्पॉन्स में मोस्टली दो टेंसेज यूज होने वाले हैं. एक, अगर आप उस प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हो आज के समय में, प्रेजेंट में, कि उसके बारे में कुछ बता रहे हो, कैसा है, कहाँ है, क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो बात जाएगी प्रेजेंट में. और जो आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे कि भाई मैंने वहां क्या किया, ये किया, वो किया, ये देखा, ये सारी एक्टिविटीज की, वो सारी जाएगी पास्ट में. तो क्या हो गया, लेट्स से कि हमने यहां पे बात कर ली गोवा के बारे में. व्हेन यू टॉक अबाउट गोवा, इट्स ब्यूटी, इट्स प्लेसेस, कि गोवा बहुत सुंदर है, वहां पे बीचेस हैं, स्पोर्ट्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें हैं. तो ये सारी चीजें आप बोलोगे प्रेजेंट में. और जब आप बोलोगे कि भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या था गोवा में, मैंने क्या क्या किया, तो वो सारी बातें जाएंगी पास्ट टेंस में. तो जी अब बात कर लेते हैं आपके रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. तो एक अच्छे स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं तीन. क्या क्या? सबसे पहला है इंट्रोडक्शन. अब ये इंट्रोडक्शन क्या है? इसमें भाई आप अपने करीब एक से दो सेंटेंस में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सिंपली इंट्रोड्यूस करो. अगली चीज है आपका बॉडी या मेन कॉन्टेंट वाला पार्ट. अब इसमें क्या होगा? इसमें हम दो से तीन मेन पॉइंट की बात करेंगे. ध्यान रहे ये सेंटेंस नहीं लिखा है मैंने, दो से तीन पॉइंट. अब वो एक पॉइंट में एक या दो सेंटेंस हो सकता है, तीन सेंटेंस हो सकते हैं. तो मान लो आपने तीन पॉइंट बोले तो ये करीब 9-10-12 सेंटेंस बन सकते हैं. तो जी लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर का पॉइंट है वो है कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या होगा? वही जैसे इंट्रोडक्शन में एक से दो तीन सेंटेंस बनाए थे, वैसे ही एक से दो या मैक्सिमम तीन सेंटेंस में अपनी बात को कंक्लूड करो या समराइज करो. ये जी स्ट्रक्चर जो है ये आपका राइटिंग के लिए भी है, केवल स्पीकिंग के लिए ही नहीं है. कहीं पे भी किसी भी टाइप का कंटेंट होता है, ऐसे लिखा जाता है उसमें भी यही होता है. आपका जो रेस्पॉन्स है, क्यू कार्ड है, उसमें भी यही है. जो फॉलो अप क्वेश्चंस है उसमें भी यही है. तो ध्यान रहे कि आप सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर बॉडी और मेन कंटेंट, और फिर कंक्लूजन पे जंप करेंगे. तो जी चलो जंप करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पहुंच जाते हैं जी सीनिक व्यू ऑफ गोवा. ये लो जी, अरे वाह आ गया गोवा. तो ये आ गया जी गोवा. जा उड़ जा रे पंछी, पहुंच जा गोवा. चल तो आपको अपना क्यू कार्ड ध्यान है ना, डिस्क्राइब ए प्लेस वेयर यू विजिटेड एंड विच यू वॉन्ट टू विजिट अगेन. ठीक है, चलो इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं. तो एक या दो सेंटेंस बनाएंगे, बना लेते हैं जी. ये लो, आई वॉन्ट टू टेल अबाउट ए प्लेस आई रियली लाइक एंड वॉन्ट टू गो बैक टू. एक सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, इट्स गोवा ए फेमस बीची स्पॉट. वेरी गुड, बस इतना ही बहुत है इंट्रोडक्शन. अब देखो इसमें है ना लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं होती है. ये भी अच्छा है, इससे और बेहतर बनाना चाहते हो वो भी बन सकता है. जैसे इस वाली सेकेंड सेंटेंस को हटा के हम ये डाल देते हैं, इट्स गोवा ए कोस्टल पैराडाइज दैट कैप्टिवेटेड माई सेंसेस. आगे बढ़ते हैं हम मेन कॉन्टेंट या बॉडी पार्ट पे. अब बॉडी या मेन कॉन्टेंट डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? आपको मैंने जो WH फैमिली बताए थे उनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. वो क्या क्या हैं? वेयर, हु, व्हेन, व्हाट,
वाई। अब जी गोवा कहाँ पे है उसकी लोकेशन के बारे में एक या दो सेंटेंस डाल दो तो वेयर का आंसर हो जाएगा। तो गोवा इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया बाय द ओशियन, इट्स नॉन फॉर इट्स लवली बीचेस, फन पार्टीज एंड प्रिटी सीनरीज। दैट्स इट, बन गया एक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गोवा जब आप गए तो कौन कौन था, हु कौन गया, हु में आप थे, आपके साथ कोई और था, उसको डाल दो। तो ये जी आंसर हो गया, आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, वी वर ए ग्रुप ऑफ फाइव एंड वी वर ऑल सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर गोवा टुगेदर। अब आगे आंसर करो, वेन कब गए थे, तो वी वेंट देयर लास्ट ईयर ड्यूरिंग अ समर ब्रेक, इट वॉज इन जून एंड द वेदर वॉज वार्म एंड सनी। राइट, वेदर के बारे में बोल दिया थोड़ा सा। आगे व्हाट, क्या क्या किया वहां पे, अपनी एक्टिविटीज के बारे में आप बता सकते हैं। तो वी डिड ए लॉट ऑफ थिंग्स इन गोवा, वी वेंट टू डिफरेंट बीचेस लाइक बागा एंड कलंगुटे, वी स्वैम सैंड बाथ एंड प्लेड वॉलीबॉल, वी रेंटेड बाइक्स एंड रोड अराउंड टू सी द साइट्स, द हाईलाइट वॉज अ बीच पार्टी वेयर वी डांस एंड हैड ए ब्लास्ट, हैड ए ब्लास्ट। चलो आगे बात करेंगे, फिर वाई क्यों गए थे। अब देखो चाहो तो इतने पे रोक सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ाना चाहे वाई हाउ औरों के भी उत्तर दे लो। चलो वाई का भी देख लेते हैं। सो गोवा वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू मी, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था, रिलैक्स करना था एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब देखो इस मेन कॉन्टेंट में ध्यान देना कि मैंने टेंसेस कैसे यूज किए हैं। तो जब वेयर की बात आई, जो मैं आज बता रहा हूं कि गोवा कहाँ पे है, तो हमने बात की है प्रेजेंट टेंस की, is या it's, it's क्या है, शॉर्ट फॉर्म है it is की, तो यहाँ पे भी is आ गया। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो क्या है, वो सारा पास्ट में गया हुआ है। अब ये वर्ब्स देखो आप, went है, where है, where went, sun bat, played, was, made, ये सारी पास्ट में चली गई, क्योंकि अब मैं अपने भूतकाल पास्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंक्लूजन में क्या करेंगे हम, बस यही चीज जो आपने बोली है इसी को बोल देना है कि हाँ जी मेरे का बहुत अच्छा टाइम बिताया, मजा आ गया, रिलैक्स हो गए और बहुत मौज की, और दोबारा से विजिट करना चाहूंगा। दैट्स इट, वही हमने यहां लिखा है, आई रियली वांट टू विजिट गोवा अगेन बिकॉज ऑफ द गुड टाइम्स, द फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एंड द ब्यूटिफुल बीचेस, इट्स अ प्लेस फुल ऑफ फन मेमोरीज एंड आई कैन वेट टू एक्सपीरियंस इट ऑल ओवर अगेन। चलिए नाउ लेट्स पुट ऑल दिस टुगेदर एंड वी गॉट दिस। अब जी देखो कंटेंट तो रेडी हो गया, लेकिन हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी इंग्रेडिएंट्स की, उसमें एक पॉइंट था कनेक्टर डालने चाहिए, कनेक्टर्स या लिंकर्स, तो हम यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स डाल सकते हैं। वो क्या होते हैं कनेक्टर, वो ही दिखाने के लिए ये स्लाइड है आपके लिए। कनेक्टर्स, स्पेशल वोकैब, ईडियम्स, फ्रेजेस जो भी हमने यूज किए हैं उसको हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, और नए नए कनेक्टर्स और क्या ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। ये लो जी, कैप्टिवेटेड माई सेंसेस, ये एक ईडियम हो गई, और ये देखो जी आपका ग्रीन कलर में कनेक्टर्स आ गए, इन्हीं को हम बोलते हैं लिंकर्स या कनेक्टर्स। छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होंगे जो थोड़ा सा एम्फेसिस डालने के लिए, या आप कोई चीज़ को एडिशनल, या आप कुछ एडिशनल बोलना चाहते हैं उसके लिए, या कोई एग्जांपल देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ड्यूरिंग अ विजिट, फॉर इंस्टेंस, अब ये किसके लिए होता है, ये एग्जाम्पल के लिए होता है, तो ये हमने एग्जाम्पल डाल दिया यहाँ पे। इन फैक्ट वन डे, Consequently and had a blast, यहाँ पे हमने अपनी idiom भी use कर ली है। तो चलो जी conclusion वाले part में भी ये connected डाल देते हैं। जब भी आप conclusion पे आओ तो हमेशा start करो to summarize या in conclusion से, तो उससे structure और clear हो जाएगा कि हाँ जी अब मेरा conclusion वाला part आ गया है, तो आप explicitly explain कर रहे हो कि ये मेरे पूरे response का structure है। तो in conclusion हमने यहाँ डाल दिया, तो देखा connectors ready हो गए, वेरी गुड। तो चलो एक बार वापस से देख लेते हैं कि हमने जो अपने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, क्या वो सारे के सारे रेडी हैं, क्या हमने वो अपने रेस्पॉन्स में डाल दिए हैं। फटाफट चलो फटाफट देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए गुड रेस्पॉन्स, ग्रामर, टेंसेस एंड वर्ब्स। टेंसेस का पूरा ख्याल रखा गया है, वर्ब्स भी हमने अच्छी अच्छी यूज की है। सेकेंड है स्ट्रक्चर, पूरा प्रॉपर तीन पार्ट में डिवाइडेड था, हमने स्ट्रक्चर भी वेल ऑर्गेनाइज कर लिया है। कनेक्टर्स एडिशनली हाउएवर जैसे बहुत सारे, और ड्यूरिंग आवर विजिट एम्फेसिस डालने के लिए इन कॉन्क्लूजन हमने कनेक्टर्स भी डाल लिए हैं। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी, आपने खुद ही देखा कि कई सारी अच्छी वोकैबुलरी भी हमने इसमें यूज की। फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, हाँ जी हमने ईडियम्स का भी यूज किया, दो तीन ईडियम्स थी हमारी, कैप्टिवेटेड बाई सेंसेस यूज किया था, हैड ए ब्लास्ट यूज किया, वेरी गुड।
आगे एग्जाम्पल हमने जहाँ पे देखा था कि फॉर इंस्टेंस हमने डाला था वो एग्जाम्पल ही था, तो एग्जाम्पल भी हो गया। तो जी अपना हो गया ग्रामर, हो गया स्ट्रक्चर, हो गया कनेक्टर, हो गया वोकैब, हो गया ईडियम्स, हो गया एग्जाम्पल, हो गया अपना सॉलिड रिस्पॉन्स रेडी है। अब जी इसके बाद देख लेते हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई टारगेट करना है, 8.5 या 9 का ही टारगेट है, तो उसका रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने एक रेस्पॉन्स बना के आपके लिए रख दिया है, आप स्क्रीन पे इसे देख सकते हैं। ये लो जी, अब इसमें भी देखो स्ट्रक्चर तो अपना वही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, लेकिन सेंटेंस जो हैं उनकी फॉर्मेशन बदल गई है, उसमें वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर वो बदल दिया है। जैसे इंट्रोडक्शन में देखोगे यहीं पे आपको मेजर डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो ये जी हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया आपका बॉडी, और ये हो गया कंक्लूजन। क्या सॉलिड रिस्पॉन्स है, बैंड 9, वाव। तो बड़को अब ज्ञान कैसे हैं, देखा कैसे अपने पूरे रेस्पॉन्स को आपको डिजाइन करना है, किन किन चीजों को इंक्लूड करना है और एक सॉलिड रेस्पॉन्स बनाना है। तो इसी तरह से वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं करे, अरे क्या कर रहा है भाई, नीचे जाके उस लाल से बटन को, लाल पीला हरा नीला जो भी बटन है उसको क्लिक कर दे। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, आइल्स की पूरी प्रिपरेशन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व करना है, तो उसके लिए अपना सब्सक्राइब का बटन दबा के रखो कि सारे के सारे वीडियोज आपको देखने हैं। और चैनल पर जाके और दूसरे वीडियोज को, ग्रामर है, फिर आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, Part 1, 2, 3, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया हुआ, उनको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखो और देखो कि 10 दिन 15 दिन में कितना इंप्रूवमेंट आता है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए सॉलिड कंटेंट के साथ नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।